Good morning, students. Today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Surat School, Rewari. Today I am going to explain chapter 2, which is Land, Soil and Water Resources. Students, I explained in previous chapter the meaning of resources. Everything that fulfill human needs is known as resources, and natural resources which we obtain from nature. So land, soil and water resources are the example of natural resources. Okay, learning objective of this chapter. First, to understand the different types of land resources, to learn about different types of soils in India, to understand fresh water distribution, and at last to understand the causes of water scarcity. Okay, now I explain introduction. Have you ever thought how difficult it would be to survive even for a day without water or food? What if the taps in your neighborhood run dry and there is no water in your house? What if a flood or landslide washes away the fertile soil, leaving the land barren and unproductive? These questions are alarming, but they make us aware of how important these life-sustaining natural resources are. Excessive use of natural resources will have a negative impact on socio-economic system. So, अगर हमें एक दिन भी water and food नहीं मिलता है, तो हमारा survive करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें water की need है, और हमारे नेबरहुड में भी टैप्स जो हैं वो ड्राई रन कर रहे हैं और हमारे घर भी वाटर नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर फ्लड और लैंडस्लाइड हमारी फर्टाइल सॉइल को वॉश कर देते हैं, लीव कर देते हैं उस जगह से, और हमारी लैंड बैरन हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। दिस क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमें अवेयर करते हैं कि लाइफ, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, देयर अवेबिलिटी, इम्पॉर्टेंस एंड यूसेज एंड देयर कंजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उनकी अवेबिलिटी के बारे में, और उनकी क्या इम्पॉर्टेंस हैं, यूसेज क्या है, और उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। वी मस्ट जुडिशियली यूज़ दीज रिसोर्सेज विदाउट हाइंडरिंग ग्रोथ। हम इनका प्रॉपर यूज़ करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं? ओके, लैंड। लैंड इज द रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है लैंड? अर्थ का रॉकी आउटर लेयर है। इट इज़ अ रिच नेचुरल रिसोर्स एंड शुड बी यूज प्रॉपरली। जुडिशियस यूज ऑफ लैंड हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड ऑल्सो हेल्प अस टू पुट अ चेक ऑन पॉल्यूशन। सो ये जो लैंड है, अगर हम इसका जुडिशियल यूज़ करेंगे, प्रॉपर इसका यूज़ करेंगे, तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा? सॉइल के कंजर्वेशन में, ग्राउंड वाटर के कंजर्वेशन में, एंड पुट अ चेक ऑन पॉल्यूशन। देयरफोर स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी इन्फोर्स टू इंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। हमारे उस कंट्री में या हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, जहाँ जो कल्टिवेबल लैंड है उसको प्रिजर्व किया जा सके। दिस विल एनहेंस द प्रोडक्टिविटी। द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, इट्स सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द लैंड यूज पैटर्न। जो टोपोग्राफी होती है लैंड की, उधर क्लाइमेट किस तरीके का है, सॉइल किस तरीके की है, वही डिटरमाइन करती है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी और लैंड का यूज़ पैटर्न क्या होगा, लैंड किस यूज़ में लाई जाएगी। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड। लैंड की क्या इम्पॉर्टेंस है? लैंड प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड एंड वाटर कौन प्रोवाइड करता है? लैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ लैंड इन दैट एरिया। जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो भी लैंड के टाइप पर डिपेंड करती हैं। ओके,
In urban regions, land is a limited resource due to demands of housing and industries. अर्बन एरियाज में लैंड की किस लिए ज़रूरत होती है? एक हाउसिंग के लिए होती है और सेकेंड थिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए. लैंड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड की ज़रूरत होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओपन स्पेस टू मेंटेन द इकोसिस्टम, और कुछ ओपन स्पेस की भी ज़रूरत होती है जिससे कि इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सके. लैंड फॉर्म्स. The surface of the earth is being constantly changed by various elements like running water, glaciers, rain, frost, sun's heat and wind, etc. So the present landforms are very varied and diverse. So earth surface जो है वो काफ़ी reasons से change होता रहता है, और आज present time पे हमें different landforms देखने को मिलते हैं. For example, plains, mountain, plateau. Okay. Now I explain mountains. Mountain make up a large portion of the earth surface. Earth surface का large portion जो है वो किससे बना है? Mountain से. Mountains are large landforms that rise above the surrounding land in the form of peak. जो mountains होते हैं वो अपने surrounding land से बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं, और किस तरीके के बने होते हैं? Peak type के. They are steeper than hills. Mountains influence the climate of the surrounding regions and are the source of perennial rivers. Mountains जो है अपने जो आसपास के regions होते हैं उनके climate को भी affect करते हैं, और कई सारे perennial rivers के source बनते हैं. Most mountains are rich in flora and fauna. कई सारे mountains जो mountains हैं वो rich होते हैं flora और fauna के. काफ़ी सारे mountains वहाँ पे बहुत सारे हमें animals और plants देखने को मिलते हैं. The Himalayas, Rockies, Andes, Atlas and Alps are some important mountain ranges of the world. In India, the Himalayas form a natural boundary in the north. जो हिमालय है वो जो इंडिया है उसकी नॉर्थ में एक नेचुरल बाउंड्री का काम करता है. They cut off the subcontinents from the rest of Asia. ये जो इंडिया के सेंट्रल एशिया जो पार्ट है उसको कट करता है. अदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया आर द अरावलीज, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, नीलगिरी एंड पूर्वांचल. ये सब क्या हैं? इन माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया में. लोकेट दिस माउंटेन ऑन अ मैप ऑफ इंडिया. आपको क्या करना है? मैप में लोकेट करने हैं इन माउंटेन रेंजेस को. प्लेटोज. प्लेटो आर एलिवेटेड अपलैंड्स विद फ्लैट टॉप and they usually descendent steeply to the surroundings lowland. Plateaus are also known as table land. Plateaus को क्या कहा जाता है? Table land कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये top में किस तरीके के होते हैं? Flat होते हैं और अपने surrounding area से थोड़े elevated ऊपर होते हैं. Okay, they are useful as grazing ground for animals and are also useful for farming. While some are important for their mineral wealth. ये किस यूज़ में आते हैं प्लेटो? ये ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर काम वर्क भी किया जाता है, फार्मिंग की जाती है यहाँ पर, और मिनरल बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्लेटोज में मिलते हैं. द डेक्कन प्लेटो एंड ब्राज़ीलियन प्लेटो एंड अरेबियन प्लेटो एंड द मैक्सिकन प्लेटो आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेटोज इन द ऑफ द वर्ल्ड. A major part of Indian land is comprised of plateau. India का काफ़ी most of the part जो land है वो किससे covered है? Plateau से. The three main plateau are the Malwa plateau in the west. West में कौन सा plateau है India में? Malwa plateau. The Deccan plateau in the south covering most of the Indian peninsula. And छोटा नागपुर plateau in the east. East में कौन सा plateau है? छोटा नागपुर. These plateau of central India are dissected by many rivers such as Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. The Deccan Plateau is a large triangular plateau bounded by Vindhyas to the north and the eastern and western ghats in the south. So, ye kisse covered hai? Hamara Deccan Plateau Vindhyas se. नॉर्थ साइड से ईस्टर्न में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट. ओके, नेक्स्ट इज प्लेन्स.
Plains are vast stretch of low, flat and slightly undulating land. Many of them are made from deposition of fine silt brought by rivers. जो प्लेन है वो किससे बनते हैं, जो रिवर अपने साथ फाइन सिल्ट लेकर आती है उससे ये प्लेन एरियाज बनते हैं। और ये जो हैं वास्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्ट्रेच फैले हुए होते हैं, बट लो लैंड होती है, फ्लैट होते हैं। ओके, दे हैव ग्रेट एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस। प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर वर्क सबसे ज़्यादा प्लेन एरियाज में ही होता है। कोस्टल प्लेन्स मेड ऑफ फाइन सॉइल ब्रॉड बाय द सी सपोर्ट एग्रीकल्चर एज वेल एज फिशिंग। जो कोस्टल प्लेन एरियाज हैं वो एग्रीकल्चर के यूज़ में भी लाए जाते हैं और फिशिंग के यूज़ में भी लाए जाते हैं। प्लेन्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट डेंस नेटवर्क्स ऑफ रेल एंड रोडवेज। प्लेन्स हमारे कम्युनिकेशन के यूज़ में भी आते हैं और रेल रोडवेज को कनेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई दे आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमें मिलती है वो प्लेन्स ही हैं। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर ऑफ ग्रेट एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस। और जहाँ पर रिच और फर्टाइल लैंड हो प्लेन एरियाज में, वहाँ पर उनकी एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। द इंडो गैंगटिक प्लेन्स आर लार्ज एल्यूवियल प्लेन्स ड्रेन बाय द थ्री मेन रिवर्स। इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं वो फर्टाइल लैंड है उधर, और क्या कहते हैं एल्यूवियल सॉइल मिलती है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल सॉइल है। और ये जो प्लेन्स हैं ये थ्री रिवर्स से ड्रेन्ड होते हैं, वो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, दे रन पैरेलल टू द हिमालयाज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। फार्मिंग इन द इंडो गैंगटिक प्लेन्स प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ राइस वीट ग्रोन इन रोटेशन। रोटेशन में कौन सी क्रॉप की जाती है, वीट एंड राइस। अदर क्रॉप्स इंक्लूड मेज, शुगर कैन एंड कॉटन भी इधर किया जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। इट एक्सटेंड फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। द गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा रिवर ड्रेन दीज प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को कौन ड्रेन करता है, गोदावरी, महानदी रिवर। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड लेइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो नैरो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, ब्रॉडेड होते हैं। ओके, और ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में मिलते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन टू द सी आर द तापी, नर्मदा, मंदोवी एंड जुआरी। ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।